वहीं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मिडलैंड हेल्थ केयर अस्पताल की मनमानी सामने आई। बच्चे की मौत के बाद भी उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, एक दिन में 1,00,000 रुपए वसूला गया। बच्ची के शव के साथ धरने पर बैठ गए हैं परिजन। अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग हो रही है। मिडलैंड हॉस्पिटल से जुड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, एक बच्चे की मौत हो जाने के बाद भी एक बच्चे का शव जो है वो वेंटिलेटर पर रखा गया, एक दिन में 1,00,000 रुपए वसूल ले गया। बच्ची के शव के साथ परिजन धरने पर बैठ गए हैं। तो मनमानी जो है वो अस्पतालों की इस कदर चल रही है, प्राइवेट अस्पतालों की, कि लाखों की तादाद में लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। और अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि जब कोई मरीज चला जाता है दुनिया से, उसके बावजूद उसे वेंटिलेटर पर रखकर पैसा वसूला जाता है। एक बच्ची के साथ ऐसा ही हुआ है लखनऊ के मिडलैंड हॉस्पिटल में। बच्ची की मौत के बाद भी उसे वेंटिलेटर पर रखा गया और एक दिन में 1,00,000 रुपए वसूल लिया गया। परिवार वालों ने बच्ची के शव को वहीं सड़क पर रखकर धरना प्रदर्शन करना शुरू किया है और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। परिवार वाले बच्ची के शव का इस्तेमाल करके वेंटिलेटर पर रखकर 1,00,000 रुपए की मनमानी ढंग से वसूली की गई परिजनों से। एक दिन में वसूला गया 1,00,000 रुपए, बच्ची की मौत के बाद भी उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। तो लखनऊ के मिडलैंड हॉस्पिटल से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किस तरीके से एक बच्ची की मौत का सौदा किया जा रहा है उससे जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। बच्ची की मौत के बाद उसे वेंटिलेटर पर रखकर परिवार वालों से 1,00,000 रुपए वसूल लिए गए। बच्ची के शव के साथ धरने पर बैठ गए हैं परिजन और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार ये आश्वासन प्रदेश की जनता को देते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी लोगों तक और कम दामों में ये सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, प्राइवेट अस्पताल किसी तरीके की मनमानी नहीं कर पाएंगे, मनमानी करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन फिर जिस तरीके की खबरें सामने आती हैं से साफ तौर पर ये पता चलता है कि प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बच्ची का शव जो है वेंटिलेटर पर रखकर परिवार वालों से 1,00,000 रुपए वसूल लिए गए। सूरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सूरज, प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी का वो मंजर अब सामने आ रहा है जो खौफनाक है। एक बच्ची जिसकी जान चली गई, उसको वेंटिलेटर पर रखा गया, एक दिन तक वेंटिलेटर पर रखकर 1,00,000 रुपए परिवार वालों से वसूल लिए गए। मजबूरी का इस कदर फायदा उठाते हैं प्राइवेट अस्पताल वाले, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल अपने मनमानी तरीके से जो अस्पताल में आते हैं मरीज, उनसे लगातार अपने मनमानी तरीके से पैसा वसूल रहे हैं। ये एक दिन का, दो दिन का ये बच्चा था जिसको ये मिडलैंड हॉस्पिटल में एडमिट कराया था परिजनों ने, लेकिन उनका आरोप है कि एक दिन में 1,00,000 कुछ रुपए लिए गए हैं इनसे, और बच्ची की मृत्यु होने के बाद भी उसको रखा गया है। जब तक के उनसे पैसे पूरी तरह से वसूल नहीं लिया गया, जब तक ये नहीं बताया गया कि आपकी बच्ची का डेथ हो चुका है, तो परिजनों का आरोप है कि पुलिस भी इस पे कार्रवाई नहीं कर रही है और अस्पताल प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही है। और परिजन सौ रखकर वहाँ प्रदर्शन किए, अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अभी पुलिस का भी कहना है कि आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए, हम उस पे जांच करेंगे, जांच करके कार्रवाई करेंगे। जी सूरज, कई बार ऐसा देखा गया है कि जांच की कार्रवाई की बात पुलिस द्वारा की जाती है, लेकिन फिर जब इस तरीके के बड़े अस्पताल होते हैं जिनके मालिक जो नामी ग्रामी लोग होते हैं वो पूरे मामले को शांत करा देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि निजी अस्पताल जो है कोई मनमानी नहीं कर पाएंगे, कार्रवाई होगी, तो ये सुनिश्चित कैसे किया जाएगा कि कार्रवाई हो इस अस्पताल के ऊपर?
जी देखिए, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसपे लापरवाही अगर किसी प्रकार की होती है तो उस हॉस्पिटल को उस हॉस्पिटल पर ज्यादा से ज्यादा कठोर कार्रवाई करेंगे और लगातार डीएम भी प्राइवेट हॉस्पिटलों का निरीक्षण करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये प्राइवेट हॉस्पिटल लगातार अपने मनमानी कर रहे हैं, मनमानी तरीके से इलाज कर रहे हैं, मनमानी तरीके से दवाइयां देते हैं महंगी महंगी, मनमानी तरीके से इलाज के पैसे वसूले जाते हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो दावे हैं वो लगातार फेल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अस्पताल के जो मालिक हैं वो जो उनकी सांठगांठ पुलिस व कुछ नेता मंत्रियों से होती है, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े मामले भी दबा दिए जाते हैं जिसपे कार्रवाई नहीं कर पाती है पुलिस। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका सूरज।